ओम श्री गणेशन में बीमारी गरीबी घर कला यह जड़ से खत्म होगा। आपका शरीर पंच तत्व से बना हुआ है, जन्म कुंडली से आपका कोई लिंक नहीं है, जन्म कुंडली धोखा है। सर्वप्रथम आत्मा को परमात्मा से जोड़िए। वर्ल्ड के अंदर कहीं भी सामूहिक अखंड दीपक जलता हो, अपने ऑल फैमिली मेंबर्स को उस अखंड दीपक से जोड़ दीजिए। वायुमंडल यह नकारात्मक कालू जादू से भरपूर है, तंत्र से भरपूर है, यही कारण से इंसान बीमार गरीबी और घर कलह का जिंदगी जी रहा है। हल्दी जो खाने वाला आता है ना, हल्दी पिसा हुआ हल्दी जो खाते हो उसका गोटा हल्दी, और येलो मास्टर्ड पीली सरसों ज्यादा से ज्यादा घर में धुआं दीजिए, हो सके थोड़ा गूगल धूप, हो सके भीम से निकरपुर। हल्दी यह बृहस्पति ग्रह को मजबूत करेगा, हल्दी यह बृहस्पति ग्रह को मजबूत करेगा। आपका शरीर बीमारी है, गरीबी है, घर कला है, नकारात्मक ऊर्जा और ग्रह का खेल आपके नाभि चक्र में है। हर रोज नहाने के बाद और सोने से पहले अपने नाभि में हवन यज्ञ का विभूति जरूर लगाएं। कहीं से भी हवन होता हो, दुकान से खरीद के लाना नहीं है, कहीं हवन यज्ञ होता हो नहीं तो घर में नाभि में जरूर लगाएं, क्योंकि राक्षसी शक्तियां यह हर रोज रात को किसी भी इंसान के साथ सो सकते हैं, उन्हें भी अयाशी का जीवन चाहिए, यह जीवन का सत्यता। घर में 3 शिवलिंग आप रख सकते हैं, पहले से शिवलिंग है तो धन कुबेर का नर्मदेश्वर शिवलिंग रखिए। आपने देखा होगा 33 कोटि 33 प्रकार देवी देवताओं के मंदिर में जो अन्न का अनाज का जो भोग लगता है, हर भोग में हल्दी डालता, हल्दी शिवलिंग में भी हल्दी डालिए, अपने अपने क्षेत्र के शिवलिंग में चावल मिला के, चावल को लक्ष्मी देवी कहा गया, शिवलिंग में हल्दी डाल सकता है क्योंकि वहां अशोक सुंदरी देवी है। महिलाएं माँ बहन आप किसी को अपना जन्म कुंडली ना दिखाएं, ये जितने तांत्रिक मांत्रिक जो हैं ये नकली हैं, ये बोल देंगे हम वशीकरण कर देंगे, हम आपका बीमारी ठीक कर देंगे, पैसा लूट लेंगे। मेरा नाम है सुनील अग्रवाल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री। जैसा भी बीमारी हो, वर्ल्ड का डॉक्टर जहां फेल हो जाए वहां आपका बीमारी ठीक होगा, लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा। कोर्ट केस में आप फंसे हुए विजय प्राप्त करोगे। मेरे खुद के पिताजी बीमार थे, भेलोर हॉस्पिटल में थे, डॉक्टरों ने उनका जेरेक्स निकाला, क्या बोलते कंप्यूटर से, और पिताजी को बोल दिया कि आप जीवित नहीं रहोगे 6 महीना, कि 6 महीना के अंदर मर जाओगे। तब पिताजी को वापस घर लेके आए, तब मैं शिव जी के शरण चरण में चला गया और पिताजी 20 वर्ष बचे। फिर 1 वर्ष के बाद हम लेके गए भिलोर हॉस्पिटल, तो डॉक्टर साहब बोली ये तो चमत्कार हो गया। हमारे भाइयों को पूछना मैं सही प्रवचन दे रहा हूं या गलत दे रहा हूं। तब हम लोग गरीबी के जीवन जी रहे थे, पैसा नहीं था पूजन वगैरह करवाने के लिए, मैं शिव जी के चरण में चला गया, गौरी शंकर बाबा शिवालय के चरण में, और घर में जो है मैं धुनी देता था, जो नीम का पत्ता आता ना, नीम का पत्ता जोरों से धुनी, पूरा घर को काला कर दिया था। पिताजी 20 वर्ष तक बचे। तो यह है बीमारी का राज, गरीबी। आप गरीबी के जीवन जी रहे हैं तो अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़िए। आपने देखा होगा कोई कुत्ता अगर जा रहा है तो उसको कोई भी पत्थर मार सकता है, और आप उसके गले में एक पट्टा अगर बांध दें तो कोई पत्थर नहीं मारता। पत्थर मारने वाले सोचते हैं कि इनका मालिक इनके पीछे होगा, तो अखंड दीपक ये परमात्मा है। ओडिशा राज्य जिला कालाहांडी शहर के सिंगा के नदी कुल्लूपाड़ा गांव में हर रोज अखंड दीपक का पूजन होते हैं, अखंड दीपक जलते हैं, और हल्दी हर रोज पूजन होता है। हल्दी का बना हुआ भोग अगर शिव जी को लग सकता है तो हल्दी क्यों नहीं चढ़ सकता, सिंदूर भी चढ़ेगा सदा सुहागन के लिए। आप शिव मंदिर जाते समय पानी का जो लोटा लेते ना, उसमें हल्दी पाउडर, थोड़ा सिंदूर, बेल पत्ता, कर्पूर, चावल, थोड़ा गेहूं, थोड़ा शमी पत्ता,
ऐसे एमआई समी पत्ता जो ना मिले हम भिजवा देंगे। समी पत्ता ये शनि ग्रह को कंट्रोल करता है। थोड़ा दूब घास, काला तिल और जो, काला तिल और जो ये पितृ देवता को प्रसन्न करता है। लोहे का 1-2 रुपया का सिक्का, लेमन, खाने का लेमन में थोड़ा सरसों तेल और कभी कभार 1 नारियल और समी पत्ता आप शिव जी को दीजिए। छोटा त्रिशूल दीजिए, रक्षा सूत्र बांध के सिंदूर लगा के दीजिए। हल्दी अगर देवी देवता को भोग लग सकता है तब तो ये पोंगा ज्ञानी कुछ नहीं बोलते, क्योंकि इनको खाने के लिए जरूरत है। बोलेंगे हाँ भोग लगाओ, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। खाने समय हल्दी इनको प्रॉब्लम नहीं। और हर महिला बेटी माँ को हम कहना चाहते हैं, आप शिव मंदिर में जाइए, अपने हाथों से जल चढ़ाइए, शिवलिंग को ऐसे हाथ लगाइए और ओम नमः शिवाय का 108 जाप कीजिए, आपका शरीर अभिमंत्रित हो जाएगा। नहाने के बाद हर रोज या दूब घास या ग्रहों से कनेक्ट और बेल पत्ता को पाउडर करके घर में रखिए और जो भीमसेनी कर्पूर आता है कर्पूर लेपन मस्तक पे लेपन कीजिए, आपके शरीर में जितने नकारात्मक ऊर्जा खींच देंगे। यह रुद्राक्ष दुर्भाग्य दोष को सौभाग्य में बदलता है। सभी राशियों के लिए यह रुद्राक्ष चाहिए, कोई पत्थर 70 जरूरत नहीं है, सभी राशियों के लिए काम देगा। और किसी भी मंदिर जाते हो, पंचमुखी रुद्राक्ष, पंचमुखी श्री गणेश विष्णु सूर्य शिव और शक्ति, पंचमुखी रुद्राक्ष चढ़ा दीजिए, दुर्भाग्य दोष को सौभाग्य में बदल देगा। कहीं अखंड दीपक जलता रुद्राक्ष तो वहां रहना ही है। नवरात्रि में भी हमने कहा था फोन मत कीजिएगा, प्रवचन चल रहा है, आज सुबह से ब्लॉक करना शुरू कर दिया हूं। जिसको मेरे से बात करना हो पहले व्हाट्सएप में पूछ लीजिएगा। मैं पैसा कमाने के लिए संन्यास नहीं लिया, मैं ट्रेनिंग देता हूं मंत्र कैसे सिद्ध होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देता हूं, 1 पैसा नहीं लेता ट्रेनिंग देने का। जैसा भी बीमारी हो दवाई कम खाएं। आपके घर में हल्दी पीली सरसों का धुनी दीजिए और जो पहाड़, जो पहाड़ी पहाड़ क्षेत्र के चारों तरफ जो इंसान रहते हैं अपना प्राण को बचा के रखिए। हमारे 33 कोटि 33 प्रकार देवी देवता रिचार्जेबल हैं और पहाड़ों के अंदर राक्षस से शक्ति है। 99% पहाड़ों के अंदर भयानक भयंकर राक्षस से शक्ति है। आप घर प्रवेश करना चाहते हैं, आपका घर का मुझे फोटो दीजिएगा। नए घर में राक्षस से शक्ति आराम से रह जाते हैं, फिर उसका किसी का बाप नहीं निकाल सकता उसे। उससे पहले ही रुद्राभिषेक नमक चमक करवा दूंगा। बीमारी बहुत है, पैसा बहुत खर्च करते हैं, एक बार रुद्राभिषेक नमक चमक मेरे माध्यम से करवाइए। 365 दिन चलते हैं, हमारे याज्ञिक ब्राह्मण देवता करते हैं, हम लोग हर रोज वीडियो छोड़ते हैं। एक फूल हम आपको दिखा रहे हैं, यह फूल आज आप सुख के दिन काट रहे हैं, बहुत सुखी है, खुशी है। मेरे व्हाट्सएप से सिर्फ चैटिंग कर दीजिए, मित्तल जी आज हमारे लिए 33 फूल माला श्री गणेश भगवान धन कुबेर पंचमुखी शिवालय वेद माता गायत्री के गले में चढ़ा दीजिए और 4 जो अखंड दीपक जल रहे हैं ये देखिए, ये सब बदमाशी का काम है, फोन जो मुझे करते हैं इनको अभी ब्लॉक करूंगा, ये प्रवचन के बाद ब्लॉक होना है। ये जाओ ना किसी को जन्म कुंडली दिखाते हो, जो जन्म कुंडली देखेगा वो लूटेगा, वहीं फंसोगे आप लोग। तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मित्तल जी हमारे परिवार के नाम से 33 कोटि या फूल माला चढ़ा दीजिए, अखंड दीपक जला दीजिए, कर्पूर चढ़ा दीजिए, लेमन चढ़ा दीजिए, त्रिशूल चढ़ा दीजिए, अखंड दीपक जला दीजिए। फूल माला आज आपने दिया है, यह भी ग्रहों से कनेक्ट है। आने वाले समय में आपके ही भाई बंधु रिश्तेदार गांव वाले फूल माला लेके खड़े रहेंगे, ऐसा पैसा आपके घर में बारिश होगा। आप किसी भी शिव मंदिर में जाइए, वहां शिव जी को बोलिए कर्पूर लेके, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हरदय अरविंद भवम भवानी सहितम नमामि। ये देखिए ये सब बंद करूंगा और 3 बार ताली बजाइए और कर्पूर को छोड़ दिए और बोलिए कुबेर जी का पाइपलाइन हमारे घर में फिट करवा दो, पाइपलाइन फिट करवा देंगे।